बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कोटा बना रही हूँ, इसे हमारी जबान में कोटा कहते हैं। ये मैंने बादाम, अखरोट और पिस्ता लिए, ये तीनों चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। ये चार मगज़, ये मिश्री, आप इसे गुड़ और चीनी में भी बना सकते हैं, वैसे मिश्री में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बनती है। ये सौंफ है, ये नज़र के लिए बहुत ही कीमती चीज़ है और नायाब चीज़ है। ये खोपरा और ये भुने हुए चने, जिन बच्चों की या बड़ों की नज़र कमज़ोर हो, ये कोटा बना के खाएं तो नज़र बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब इसे ग्राइंड करते हैं। ये देसी घी है, ये सारी चीज़ें मैंने ग्राइंड कर ली हैं। ये चने हैं, ये सौंफ, ये पिस्ता, बादाम, अखरोट और चार मगज, ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर दी हैं। ये खोपरा है और ये मिश्री, अब इन्हें मिक्स करते हैं। ये मैंने परात ली है, ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। ये चने मैंने डाल दिए, अब ये बादाम, अखरोट, पिस्ता और चार मगर, ये भी डाल देंगे। ये सौंफ, ये खोपरा, इस तरह इसे मिक्स करेंगे। ये हाथों की मदद से मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें इसको दो बर्तनों में डाल देंगे, थोड़ा सा इधर डाल लेंगे। ये मिश्री, ये जितना मीठा आपको पसंद हो इतना डाल सकते हैं। ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब मिश्री और डाल देंगे और ये भी डाल देंगे। ये जो बर्तन में डाला था इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं, अब इसमें घी डालेंगे। ये प्योर देसी घी है, मेरी अम्मी गांव से लाई थी। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए, ये कोटा मेरा तैयार हो गया है। ये इसे अब किसी बर्नी में डाल के रख देंगे, आप 2 महीने भी खा सकते हैं, 3 महीने भी खा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोटा मेरा तैयार हो गया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें, और साथ ही घंटी का बटन प्रेस कर लिया करें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और जिनने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपका आमीन नासिर, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्से अमान में रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।